जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। ध्यायेत् ब्रह्माण्डनाथं नीलनीलदतनुरत्नसिंहासनस्थं तदक्रे भाग्यदात्रे रुचिरुचिरतरा भाग्यदात्रे सुभद्रा तदक्रे कामपालं धवलवरतनु लंगलं जस्यवानु श्रीलक्ष्मीरेवतिर्द्वे परिवसतु सदा ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्मं स्मरामि परमकारुणिका करुणावरुणालय भक्तवांछाकलपतरुवनाथस्य नाथ जगन्नाथंक पदकमलतले यधमर अनंतकोटि प्रणाम मणिमा अनंतकोटि प्रणाम। अपन श्रवण करुथिले पंडित भजराम सत्पथी महोदयंकर मुखारविंदरु महाप्रभुंकर श्री अनन्य कथा गड़ुछि षोल चकर विशिष्टता कौन रही षोल चकर रहीबार कारण तत्व विषय रे मध्य जानुथिले महाप्रभुंकर पत्त पावनंकर बेश श्रृंगार मध्य दर्शन करुथिले। रथ केते बेले गड़ुछि त केते बेले स्थिर रहुछि काहेकि ना ये दक्षिण मोड़ दिया जाउछि जते बेले मोड़ दिया जाय थाए रही थाए पुनर्वार आग को बढ़ी थाए पछकु टणा जाय थाए इबले भावर सहित महाप्रभुंकर मध्य इति देखिबा को गले महाप्रभुंकर ई षोल चक ई षोल चक केते थर गड़ुलाणी आपण देखिलेणी। प्रथमे महाप्रभुंकर से रथ खलारु सिंह द्वार आड़ को महाप्रभुंकर रथ जाइतिला अपूर्व भावरे महाप्रभुंकर घंटुआंकर घंटा नादरे महाप्रभुंकर रथ गड़िबा को पुनर्वार आरंभ कलेणी सरदा बालीरे महाप्रभुंकर रथ जेते बेले गड़ी थाए सेते बेले श्रद्धा जाग्रत हो जाई थाए समस्तंकर भक्त वृंदंकर मन भितरे कहीं ना महाप्रभु षोल कलारे नंद बोला बोली कहा जाइछि। ई षोल कलारे षोल चकरे षोलटी कला को विस्तारित करिछंति महाबाहु कालिया शांत से षोल चकारे षोल विशिष्ट महाप्रभुंकर जहाँ रही अल्प दूर आउ बेसी दूर नुह कहीं सेठारु नंदी घोष रथ ठारु तालध्वज रथ देवदलन रथ दुईटी दर्शन मिलुची बाहा बापण मानंकर देखिपारुछंति नाकचणा द्वार पार्श्वरे महाप्रभुंकर रथ पहुँचवा पहुँचवा हो गले अपूर्व संजोग महाप्रभुंकर देखुचंति तो किपर भाव ये षोल चक षोल सहस्र गोपी नारी गोटे सहस्र गोपी नारी गोटे गोटे रथर चकरे विराजमान करिछंति षोल स्तंभ षोल नाका बोली कह जाए षोलटी महाप्रभुंकर मध्य षोल सहस्र गोपी नारी मध्य रही सबुआड़े गोपी नारी प्रादुर्भाव देखा मिली थाए ये समस्त भक्त माने टाणुंट ये होती से गोपी भाव महाप्रभु को टाणीबा महाप्रभुंकर समस्त प्रकार देखत किपर भाव केते बेले क्योंठी दौड़ी लगी थाए महाप्रभुंकर ये दक्षिण मोड़ नवापाई ता केवल सेठारे महाराणा सेवक भोई सेवक माने ही जानती महाप्रभु को किपर भाव ने रथटी पहुँची जीव शीघ्राति शीघ्र भाव जत रथटी चलुची रथटी जाऊची सेतेबेले मन भितरे अनेक प्रकार प्रश्न उंकी मारुथाए महाप्रभुंकर ये षोल कौन ना छएक साते मिसीगले साते ये सप्त मातृका रही सप्त मध्य रही सप्त दीप तंको सही वाली भाग विभक्त करा जाइछि महाप्रभुंकर ठारे षोल चक विशिष्ट जेते बेले गड़ी थाए प्रथमे आपण देखिथिले रथ खलारु
महाप्रभुंकर सिंह द्वार थरुटिए गड़ी थिला षोलचक पुनर्वार महाप्रभुंकर से षोलचक मध्य गड़िला केते बेले ना जते बेले महाप्रभु गुंडीचा यात्रा दिन महाप्रभु बाहरिले आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि महाप्रभुंकर रथ पुनर्वार आउ थरे गड़िला षोल षोल बतीश आज पुणी षोलचक गड़ुची ताद देखुंट ये बतीश रे आउ थरे षोल मिसाई दिंतु ये बतीश जेपर भाव षोह मिसला आज गड़ुची पुनर्वार महाप्रभुंकर दशमी तिथि गड़ब बतीश बतीश के चौसठी छ ये दुई मध्य चौसठी ये चौसठी जोगिनी को मध्य बुझाई थाए महाप्रभुंकर देखुंट किपर भाव पंचरंगीर पताका अपूर्व भावर सहित से दुविदेवी सुभद्रांकर रथ जाको अनेक प्रकार वस्त्र द्वारा मंडित करा जाइछि आउ ता भितरे मध्य खचित होइछि विभिन्न प्रकार महाप्रभुंकर को मन को किणिबा पाई मन को टिके मोहित करिबा पाई आ एपटे मध्य पतित पावरंकर मध्य विभिन्न प्रकार बेश श्रृंगार चली जो बेश श्रृंगार रे आपण माने देखुचंती केते प्रकार महाप्रभु लगौछंती केते बेले किपरि भावरे अधर बाळत केते बेले महाप्रभु कौन लगाउछंती ताहि महाप्रभु ही जानंती महाप्रभुंकर बिना किए बा कहि पारिबो के कहि वचन हे क्षेत्र महिमा जमन लंगई जार मुक्ति रसीमा किए बा कहि पारिबो महाप्रभुंकर से मुक्तिर कथा जेपरि भाव रे केते बेले ये चौसठी केते बेले तो महाप्रभु षोलो चकरे विशिष्ट होई गड़ी से पणी चौसठी जोनी जन्मांकर को मध्य उधार करुछंती जे समस्त प्रकार दर्शन करिदेला जगन्नाथंकर जीवा आसीबा दक्षिण मोड़ दर्शन ता भितरे महाप्रभु मध्य जीवारे किपरि भावरे जानती किपरि भावरे आसंती आउ दक्षिण जेपरि भावरे मोड़ होइथाए तांको जे दर्शन करि दिए से निश्चित भावरे साजुज्य मुक्ति मध्य प्राप्ति हबार असंभव किछि नाही कहिकि ना महाप्रभुंकर दर्शन रे सबु किछि प्राप्ति होइथाए सेथिपाई महाप्रभुंकर दर्शन होछि सर्वतत्व समर्थ बोली सबु किछि समर्थ प्राप्ति लोकंकु प्राप्ति कराई थाए अप्राप्त लक्ष्मी को मध्य प्राप्ति कराई थाए जहाँ को पाइबार अच्छी ताहाको प्राप्ति कराई थाए रही जाइले टिके पछकु गड़ीले पुनर्वार आग को मध्य गड़ा जाऊँ पछुआ टणा जाना दक्षिण मोड़ दि जावा समय दक्षिण पट को जिते बड़े संपूर्ण भाव टणा जाऊला अर्थात नाकचणा द्वारा आग को देखिले ठीक जगार पहुँचुना पुनर्वार टे आग को भिड़ा आग को भिड़ी ठीक जगार पहुँचवापी देखु संकेत किपर भाव करा क्यों पट को टणा जा लाल रंगर पता उड़ू जो रंग जो पट को से पट को उड़ा सेपट को टाणी संकेत प्रदान करुंटार संकेत प्रदान करा थाए यही दिग को टाणी अपूर्व भाव ये सबकि महाप्रभुंकर ये महाप्रभुंकर रीति नीति रे सबकि चली थाए ये हूँ कलावतार महाप्रभु को कई कही थाए कई कही थाए महाप्रभु होती प्रत्यक्ष ही सबकि संपूर्ण भाव में सठिक आज्ञा महाप्रभु सबु ही सृष्टि कर जगन्नाथ जे षोल कला तहु तो कलारे नंद बला ई षोल चका
आहा गड़ीबा को पुनर्वार आरंभ कलानी देखुचंति किपरि भावरे प्रशासनिक व्यवस्था रे महाप्रभुंकर से मध्य टणा जाउछि भल भावरे सुरक्षित भावर सहित के पेलुचंति त के टाणुचंति के तंकर समस्त प्रकार बल को खटाई दे महाप्रभुंकर पाई समर्पित हो जाए किपरि भावरे टाणुचंति षोल कला महाप्रभुंकर रहिछि ईश्वर कला कौन कौन ना इक्षण शक्ति प्राण शक्ति श्रद्धा भक्ति श्रद्धा और भक्ति शक्ति फमार्ग अग्निहोत्र शक्ति जलन जलांतरण शक्ति मल्ल विद्या जितेन्द्रिय कार्यक्रम पालन ब्रह्मचर्य तपस्या वेदज्ञ वाक शक्ति क्रिया शक्ति आकर्षण शक्ति ये तो सब महाप्रभुंकर पाखरे रहिछि ये नंदी घोष देखुचंति ये पाखरे ये आकर्षण शक्ति रहिछि आज्ञा महाप्रभु कालिया शांत जा उपरे विराजमान करिवे तंकु देखु देखु समस्ते आकर्षित होइथांति एतिरे तिले मात्र संदेह नाही सेतिपाई त समस्ते तांकरी रथ पाखरे देखुचंती रही जाउचंती पुनर्वार आगकु गड़ुचंती जते बेले गड़ी थांती इत अद्भुत भावर सहित देखुचंती तांकर घंटुआंकर घंटनाद किपरि भावरे बाजी चालिछि कैंकिना घंटुआ घंट धोनी रे महाप्रभुंकर सेई भली भावरे मुखारित करिथंती प्रकंपित कराई देथंती जहा दृश्यमान होउछि पुनर्वार पछुआ टणा जीवे कहीं घंटुआ सेवक समस्ते पछपट को आसी सारे आगपट थे पछपट को आसी सारे एथर गरीब केड़ को ना महाप्रभुंकर दुईटी रथ आईटी रथ रही जाके बलभद्रंकर रथ सुभद्रांकर रथ जो ठार रही पार्श्ववर्ती टणा जीव से पार्श्वरे रहिले तो महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि रे महाप्रभु बाहुड़ा विजय करिवे सेतिपाई ये प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि काली ठारु आज्ञा माल प्रदान करा गला प्रथमे बार चक कहीं सान ठारु बड़ क्रम रे सजाई लेख बोली कहा जाइछि ना सेठी एठारे प्रतियमान होइथाय प्रथमे बार चक विशिष्ट महाप्रभु महादेवींकर देवी सुभद्रांकर रथ जार नाम होची दर्प को जी दलन कर दियंती जहाँ को पद्मध्वज मध्य कहा जाए थाए देवी दलन बोली कहा जाए देवता जी संपूर्ण भाव उद्धार करने जाकर रथ प्रस्तुत होई से देवी दलन व देव दलन मध्य कहा जाए थाए से रथ प्रथमे गड़ी तापरे बड़बाड़ सामंत मणिमाकर चौद अंक विशिष्ट बार परे चौद ये केते भी व्यवधान रहिला ना दुई तेरह आ चौद दुई व्यवधान गोटे संख्या रहीगला मझीरे चौद आसीगला महाप्रभुंकर बड़बाड़ सामंतंकर रथ पहुँचीगला ता भितरे चौद परे परे षोहल चक आज गड़ुछि व्यवधान रहिला गोटे संख्या रहीगला पंदर रहीगला तापरे षोहल चौद पंदर षोहल से भली भाव गोटे संख्या रहीगला किंतु कह जाए थाए संख्या अनुसार देखिए गले दुई संख्या परे कहीं चौद छाड़ी पंदर षोहल पहुँची चंती षोहल चक विशिष्ट आज गड़ुछि काली महाप्रभुंकर टिके वर्षार ये वातावरण खेली जाइथिला आज मध्य पाग से भली भाव बढ़िया पाग दे ये पाग तो पाग महाप्रभुंकर इंद्रादि देवता माने आज्ञा कुसुम पुष्टि करुछंती कहीं ये बाधा उपजाऊंती महाप्रभुंकर कामरे ताहा नुआ आज्ञा ये संपूर्ण भाव महाप्रभुंकर रथटी को धोईकी सफा कर रथर जो बाटे जीवे जो बाटे महाप्रभुंकर यात्रा करिवे से स्थान को भल भाव धोईकी सफा कर पवन झाड़ू मारी दौंती महाप्रभुंकर
आलोक विजुली आलोक प्रदान करुछंती आलोकर जेपरि भाव रे कम न रुहे। महाप्रभु यही भली भाव रे समस्त देवता माने सेवा करुछंती महाप्रभु कर। जेते बेले देवता सेवा करिथंती कहीं ना ये देवता आकर्षदा हाउ अपूर्व भाव सहित से घंटुआंकर घंटा घोट नाद रे संपूर्ण भाव रे घंटुआ नाद करी चली छंती राहुक तंकर गीत बोली चली छंती राहुकंकर बेत हली चली छी महाप्रभुंकर रथ गड़ी चली छी। अपूर्व भाव सहित घोरघर नाद रे महाप्रभुंकर नंदी घोष रथ जेते बेले गड़ी थाए टिके रही जाई थाए पुनर्बार टिके गड़ी थाए महाप्रभुंकर भूई सेवक माने मध्य रही छंती किपरि भावरे कौटि रथ दौड़ी बंधा हेले से भल भाव गड़ब ताकि संपूर्ण भाव मालूम अच्छे भल भाव जना अच्छे किपरि भाव के मोड़ दिजाव के पटा पकई मोड़ दिगले से महाप्रभुंकर चकटी आउ रथटी जा ठीक भाव ठीक जगार लगे ताकि भल भाव अच्छा कहीं बापा जेजों समस्त परिवार वर्ग यही सेवा करी करी आसपाई से जानती रथटी पुनर्बार गड़ा को आरंभ कला पछर पेली चली महाप्रभुंकर सेवक पुलिस अफिसर माने भक्तवृंद माने महाप्रभुंकर टाणी मध्य चली अपूर्व भाव संजोग आपण देखु अपूर्व ये तीन देवता दर्शन करपटे तीन देवता रही पश्व पछपटे तीन देवता रही गोटे पट को मध्य आन देवता रही भाव सहित महाप्रभुंकर ये संपूर्ण देखा गले दक्षिण मोड़ दि जाराजमान कर महाप्रभु अदृश्य भाव किपरी ना आज्ञामाल प्रदान आज्ञामाल प्रदान नकले किपरी भा चलिबो महाप्रभु प्रत्यक्ष नहले परोक्ष न आसिले ये रथ कण चलिबो से आज्ञामाल प्रदान करन्ति महाप्रभु आज्ञामाल न प्रदान कले आज्ञामाल आसी न लागिले ये रथ आज्ञा गड़िबो ना ये सुनिश्चित कथा कहीं ना प्रमाण देखंतु जेते बेले महाप्रभुंकर रथ गड़ीबा पई आरंभ कले टाणीबा पई जेते बेले व्यवस्था करा गला आउ अल्प आज्ञा थरे दुई थर टणा गले थरुटिए टणा गले महाप्रभु रथ ठीक जगार पहुँची जीव रथ टणा संपूर्ण भाव सणी जीव सरी जीव दक्षिण मोड़ पहुँची जीवे कहीं सेठारे देखंतु भल भाव महाप्रभुंकर अल्प दूर अच्छी थरे जदि टाणी समस्ते नंदी घोष तालध्वज जपरि भाव रही जाती सम्मुख त्रिनि देवतांकर तीनि रथ से भाव रही समस्त भक्तवृंद माने महाप्रभुंकर ए तीनि रथ को शरदा बाली आज्ञा अनई बसी श्रद्धार सहित से बाली मध्य कहीं किंवदंती रही आपण माने निश्चित भाव महाप्रभुंकर एठारे बाली बाली रे रथ गड़ीबा बाली रे गाड़ी गड़ीबा बाली रे चालीबा बाली रे दौड़ीबा ये संपूर्ण भाव रे टिके कष्टसाध्य होइथाय किंतु देखंतु हरि बल ध्वनि पड़ी घंटा घंटुआंकर राव रे महाप्रभुंकर रथटी जाई पहुँची जीवा हेलेनी आ हरि बोल पकांतु मणिमांकर रथ सुसज्जित हेबापाई रथ यात्रा अर्थात बाहुड़ा यात्रा करिबापाई नाकचणा द्वार रे पहुँची गलेनी महाप्रभु बरबार सामंत पहुँची तिले देवी सुभद्रा पहुँची तिले कालिया शांतंकर रथ मध्य पहुँची गला अपूर्व भाव रे सेई नाकचणा द्वार पार्श्वरे तीन रथ एकत्र भाव रे एक सरल रेखा रे एकत्र भाव सहित पहुँची जा हरि बोल ध्वनि मध्य पड़ा हरि हरि बोल मणिमा हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल यही भाव पड़ू शरदा बाली रे तीन रथ विराजमान महाप्रभुंकर बड़बाड़ सामंतंकर देवी सुभद्रांकर निर्दिष्ट स्थान आउ निर्दिष्ट सरल रेखा रे एकत्र भाव सहित तीन रथ विराजमान हो जाई छंती।
देखंतु नीलरंग नालीरंगर जेपरी भावे महाप्रभु बड़बाड़ सामंतंकर नाली रे कला रंग देखुचंती देवी सुभद्रांकर आउ नाली रे हलदिया रंग यांकु देखुचंती से होचंती किगार ना कालिया शांतंकर सबु किछि महाप्रभु कालिया शांतंकर सबु किछि लेट सबु किछि महाप्रभु धीमी धीमी धीरे 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 काली समस्ते आसीगले दुईटी रथ आसीगला किंतु गोटे रथ जगन्नाथंकर रथ रही जाइथिला। जय जगन्नाथ। देखुथिबा समस्त श्रोता बंधु भक्तवृंद माने निश्चित भावरे महाप्रभुंकर ए दर्शन करिथिबे। रात्र होइगला सेथिपाई महाप्रभुंकु मध्य महाप्रभुंकर रथ आज्ञा माल पाइथिले मध्य आसी पारिनथिले। जो षोल चक आपण देखुचंती ये होची गोटे गोटे कलार प्रतीक बोली कहुची षोल कला महाप्रभुंकर षोल कला एपटे महाप्रभुंकर दर्शन करुछंती पतित पावनंकर दर्शन नाकचणा नाकुआसी मध्य लागी होई सारलाणी। ये षोल कला कौन तारी विषय निश्चित भाव में षोल चका षोल कला कौन रही ना ईक्षण शक्ति बा निरीक्षण करिवार शक्ति मध्य महाप्रभुंकर पाखरे रही रथरे रही जगत रे किए केउठी कौन करिवा उचित एथिरे प्रति ध्यान देवा को ईक्षण कला बोली कह जाय छी। महाप्रभु निश्चित भाव रे ध्यान देउछंती आज्ञा आपण कौन करुछंती कौन नाही महाप्रभु ता विषय रे निश्चित भाव रे तंक पाखरे संवाद पहुंचुची। तापरे प्राण शक्ति जो प्राण शक्ति बोली कह जाय छी ये प्राण कौन ना प्राण जोग द्वारा शक्ति को निज अधीन रे करी आनी जगत मंगल पाई नियोजित करिथिबे करिथिबा कला हेउछि महाप्रभुंकर पाखरे जणा। ये षोल कला महाप्रभुंकर द्वितीय कला जाकु नाम प्राण कला प्राण शक्ति बोली मध्य कह जाय। तापरे आउ गोटिए कला जार नाम हेउछि श्रद्धा। ये श्रद्धार कला बा भक्ति बोली मध्य कहा जाइछि। वेद परमार्थ परम सत्ता धर्म एवं गुरुंकर प्रति अटल श्रद्धा और भक्ति भाव ये मनीष गुण हेउथिबा मध्यरे तंत्र शास्त्र रे कला विचार ग्रहण करि जाइथाय। भक्ति को शक्ति बोली ग्रहण करा जाइछि। भक्ति गोटिए शक्ति भक्ति नथिले किछि नाही महाप्रभुंकर महाप्रभुंकर विषय रे जानिबा पई हेले भक्ति निहाती भावरे आवश्यक से होछि गोटिए कला। आउ गोटिए होछि ख मार्ग। आकाश को मध्य खग कुआ जाइथाय। आकाश बा शून्यर विचरण करिवारे जहांकर समर्थ से होछन्ति षोल कला रे गोटिए कला ख मार्ग बोली कुआ जाइछि। तापर आसी थाए अग्निहोत्रर शक्ति। अग्नि विद्यारे विरल कला रही यज्ञ अग्नि ठारू उदय अग्नि पर्यंत अग्नेयस्तर रहस्य को भेद करिवारे जहांकर पाखरे शक्ति अच्छी से उछि नंदी घोषर शक्ति आज्ञा। महाप्रभुंकर पतित पावनंकर दर्शन आपण करुछंती। जो पतित पावन को दर्शन करने द्वारा आम भली पतित माने ही उद्धार हो जाती से पतित पावन को आपण दर्शन करी महाप्रभुंकर किपरी भाव में बेश श्रृंगार चली कौन चली कौन नहीं ता विषय निश्चित भाव जानुछंती। गोटे कथा आसी थाए महाप्रभुंकर आज आउ काली आउ दुई दिन रहिला महाप्रभु अधिष्ठान करिछंती केउठारे ना गुंडीचा मंदिर रे। गुंडीचा मंदिर रे जेहेतु अछंती एठारे गोटिए महात्म्य रहिछि। एई समय रे जेतेक तीर्थ सबु तीर्थ आसी नरेंद्र सरोवर रे समाहित होइथांती। भक्तवृंद माने
महाप्रभु को जे भक्ति करुछंती जे श्रद्धा करुछंती निश्चित भाव रे आज मने रखंतु जदि आज आपण महाप्रभु को दर्शन करिवा पई आसुछंती आज काली नहरे बाहुडा दिन दर्शन करिवा पई आसुछंती गोटिए दिन इंद्रदुम्न सरोवर रे स्नान करंतु स्नान करी महाप्रभु को दर्शन करंतु तार फल रहिछि आज्ञा अश्वमेध सहस्रेण वाजपेय अश्वमेध यज्ञर वाजपेय यज्ञर फल प्राप्ति होइथाय एठारे स्नान करी महाप्रभु को दर्शन करिवा द्वारा गवाम समम नास्ति धनम पृथिव्या जेपरि भावरे गोदान द्वारा दान नाहीं हरि नाम भली नाम नाहीं से भली भावरे महाप्रभु यही नवदिनात्मक यात्रा समय रे जे इंद्रदुम्न सरोवर रे स्नान करी थाए महाप्रभुंकर दर्शन करे से हो जाए थाए पुण्यात्मा बोली कह जाए थाए इंद्रदुम्न सरोवर पालटी जाए थाए गंगा पालटी जाए थाए जमुना पालटी जाए थाए सरस्वती पालटी जाए थाए नर्मदा पालटी जाए थाए सबु किछि इंद्रदुम्न सरोवर रही थाए महाप्रभुंकर से भक्त मानंकु अनई केते बेले भक्त मान आसीबे तंकर से संपूर्ण भावरे तांकु टिके संपूर्णता प्रदान करिबा पई पाप राशि को धौत करी दे महाप्रभुंकर पाख को पहुंचाई दबा पई इंद्रदुम्न सरोवर अनई बसिछि सेति पई पवित्र इंद्रदुम्नर सरोवर उत्पत्ति मध्य कल कथा जते बले आसे से उत्पत्ति आज्ञा के किपरि भावरे होइछि ना गोमातांकर खोरारु गोमातांकर दान पई ए जो यज्ञ महाप्रभुंकर यज्ञ अश्वमेध यज्ञ जाकि महाप्रभुंकर आदेश क्रम रे जो यज्ञ होइथाय से यज्ञर पुण्यता प्राप्ति पई कण करा जाइथाय दान करा जाइथाय यज्ञात भवन्ति प्रजन्या यज्ञ द्वारा ही सब किछि करा जाइथाय यज्ञ ही सब किछि धर्म को आचरण करिबा पई यज्ञ सर्व प्रतिष्ठित यज्ञ द्वारा ही सर्व सब किछि प्रतिष्ठा करा जाइथाय महाप्रभुंकर आविर्भाव पूर्वरु से सहस्र अश्वमेध यज्ञर कथा आसी से यज्ञ करवाई यज्ञ दान दवापी जो गोमाता रखा जाइले से गोमातांकर खुरारु सृष्टि होता गोमूत्र गोमयर संपूर्ण भाव से स्थान को से सरोवर को पवित्र करा जा गोमाता जोठी था समस्त लोम कोपे गोमातांकर गोटिए गोटिए लोम कोपरे सारा ब्रह्मांड रही महाप्रभु वास करुछंती तेतीस कोटि देवता वास करुछंती महाप्रभुंकर पतित पावनंकर कर्पूरांजनित चली बेश सरी जाइछि विभिन्न प्रकार वस्त्र जेपरि भाव रे महाप्रभु परिधान करि सारिछंती अपूर्व भावर सहित महाप्रभुंकर ये दक्षिण मोड़ मध्य सरी जाइछि ये दक्षिण मोड़ जिते बेले सरी जाइछि निश्चित भाव रे समस्ते भक्तवृंद माने से नरेन्द्र सरोवर रे जिते बेले आसुछंती नहले जल टिके छिंची हे आसंतु स्नान जदि न करी पारुछंती स्नान कले तो अनेक फल प्राप्ति होइथाय से बेले भावर सहित टिके जल मध्य छिंचन करी जदि आसी महाप्रभु को दर्शन करंती ताले मध्य सही फल प्राप्ति होइथाय सहस्र गो मयर स्नान करिवार फल पंचागव्य रे स्नान करिवार फल आउ महाप्रभु को पाप धौत करिवार जो फल सेटा रे ही प्राप्ति होइथाय महाप्रभु इंद्रदुम्न सरोवर रे सेति पई निश्चित भाव रे स्नान करिवा सहित आचमन करी जहाँ दान करिवा कथा दान मध्य करिवा कहीं कह मेरु समतुल्य दानम एठारे एबे महाप्रभुंकर जो इंद्रदुम्न सरोवर रे स्नान करी महाप्रभु को दर्शन करी ता सहित महाप्रभुंकर से गुंडीचा मंदिर रे ब्राह्मण भोजन ही मुख्यता
एठारे कहीं सबकि सबकि कर्म रही ब्राह्मण मानकर निश्चित किसी ना कि रही महत्व से ब्राह्मण मानक भोजन दबा द्वारा आपण गोटे पर्वत को दान करना आपणकर पाखरे से क्षमता ना एटी कहगला मेरु समतुल्य दान मेरु कौन पर्वत से पर्वत को दान कला भली दान मध्य गोटे गोटे तंडू गोटे महाप्रभु महाप्रसाद जदि आपण दान सूत्र रे क्या दियंती क्या भोजन दियंती कौन ना संपूर्ण भाव में पर्वत भली दान से महाप्रभु एठार श्रीक्षेत्र में बास करुवा समस्त भक्तवृंद मान सेवायत वृंद मान कौन करती महाप्रसाद ही ब्राह्मण भोजन दे था नौ दिन धरी महाप्रभु आसतु महाप्रभु से बेश श्रृंगार तो चली बेश श्रृंगार को दर्शन करवा सहित भोग हेब आरती मध्य दर्शन करवा सेपटे समस्त भक्तवृंद मान जा दर्शन करवा आसतु मधुरातीत मधुर मध्य भजन श्रवण करवा भजन तो श्रवण करवा महाप्रभुंकर नाम मध्य संकीर्तन करवा महाप्रभुंकर नाम ही सर्वश्रेष्ठ से नाम कौन ना जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ 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 त्राहि माम जगन्नाथ ही तारण करिवे जगन्नाथ ही पार करिवे असंतु मधुरातीत मधुर भजन श्रवण करवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।